Hi guys, welcome back to our channel Sebi Yash Official. So last vlog में हमने जैसे कि आपको बताया था हमारी लव स्टोरी के बारे में कि हमारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी, हम कैसे मिले थे, एंड तो हमने आपको वीडियो के लास्ट में ये बोला था कि हम लोग इस व्लॉग में आपको ये बताएंगे कि हमने हमारी फैमिलीज को कैसे मनाया टू गेट मैरिड. तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं. सबसे पहले सेबी बताएगी कि उसने कैसे उधर इंदौर में घर वालों को मनाया. तो जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं घर वालों के साथ कैसे ये सब शेयर करूंगी और कैसे बताऊंगी. तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लग रहा था यार पापा को बताने में. बट मैंने सोचा लाइक हम एक जॉइंट फैमिली में रहते तो हमारे साथ चाचा चाची भी है. तो मैंने सबसे पहले जो मेरी छोटी सिस्टर थी उसको जस्ट नॉर्मली बताया कि ऐसे ऐसे है. देन उसके बाद लाइक ठीक है उसको एक बताना मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगा. बाकी ऐसा कुछ था नहीं कि उसके थ्रू कुछ होगा. तो पहले मैंने उसको बताया. देन उसके बाद मैंने चाची से बात करी बिकॉज मेरा अच्छा था लाइक उनसे ऐसे बॉन्ड ऐसे मुझे कुछ भी चाची मतलब थोड़ा ऐसे थी कि अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी सी मॉडर्न काइंड ऑफ और थोड़ा सा ऐसे डर नहीं लगता ना. मतलब पेरेंट्स से ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा डर लगता है. तो मैंने उनसे पूछना चाहा तो पूछने के लिए कि फिर मैं मतलब पापा को कैसे बताऊं. लाइक मेरी मम्मी बहुत चिल है ऐसे उनको ऐसे कुछ नहीं. अगर पापा रेडी है तो मम्मी को ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. तो मैंने चाची को बताया एंड देन चाची के साथ साथ ही मम्मी को भी बता दिया था मैंने नॉर्मली. सो मेन था पापा को बताना. तो पापा को बताने में लाइक फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे बताऊँ क्या करूँ. तो उन्होंने बोला नॉर्मली कि एक बार बात कर ले जैसे उनसे मैंने बात करी है. तो फिर मैं नॉर्मली गई पापा के पास और मैंने उनको बताया यश के बारे में कि हम कैसे मिले और लाइक यश भी विजय वर्गीय ही है. तो सबसे मेन पॉइंट जो हमारे रिलेशनशिप में है वो यही था कि यार हम दोनों की कास्ट सेम थी. तो यू नो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है ऐसा. हाँ बहुत ज्यादा हमें ऐसे वैसे इशू नहीं आए कि यार कास्ट अलग है तो यू नो बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है ये वो. उनको बस एक ये चीज थी कि यार लाइक लड़का कैसा है क्योंकि ऑब्वियसली लड़की दे रहे हैं वो किसी को उनकी. तो अगर लड़का अच्छा है कास्ट भी मैच हो गई है लाइक जो मैंने उनको बताया था क्योंकि वो उस टाइम तक यश से नहीं मिले थे. तो मैंने जो बताया उसके बेसिस पे उनको लगा ठीक है चलो लाइक इसकी स्टडीज हो गई इसकी जॉब भी लग गई है कास्ट भी सेम है. तो वो सारी चीजें होने के बाद उनको बस ये था कि यार मिल के यू नो कैसा है बंदा वो सब पता चल जाए एक बार. तो वो सारी चीजें थी. एंड सेबी के चाचा तो बस ये सुन के कि लड़का विजय भर गया तो इतने खुश हो गए. हाँ लिटरली उसके बाद जब मुझे चाचा को बताना था तो मैंने जस्ट उनको यही बोला ऐसे मतलब मैंने यश के बारे में बताया एंड देन मैंने उनको यही बोला कि यार ही इज आल्सो विजय भर गया. तो वो इतने ज्यादा खुश हो गए. मतलब मेरे घर में ऐसे किसी को कुछ भी नहीं लगा. फिर जैसे ये पता चला ना मेन उनका मे भी शायद यही होगा कि कास्ट वाला होता है यार अभी भी ऐसा है कि यू नो. एंड तो विजयवर्गीय पता चला तो ठीक है सबका नॉर्मल रिएक्शन था अच्छा रिएक्शन था. फिर ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ था कि यश को इंदौर आना पड़ा था मेरे साथ में कुछ एमरजेंसी आ गई थी. तो उस वजह से यश मेरी फैमिली से मिल लिया था अनऑफिशियली यश मिल लिया था. तो सबको ऐसे यश बहुत अच्छा लगा था जो कि मैं हूँ भी. ओह माय गॉड. तो यू नो मैं मुझे अच्छी चीजें पसंद आती है. तो ये तो था मेरी फैमिली के बारे में कि ठीक है ये सब हो गया. अब यश आपको बताएगा कि यश ने अपनी फैमिली में कैसे बताया. और तो एक्चुअली मेरे को भी काफी डर लग रहा था पापा को बताने में मम्मी को बताने में. डर एज इन की रेस्पेक्ट यार कि यार पापा मम्मी क्या सोचेंगे कैसे बिकॉज ऑब्वियसली ऑब्वियसली मतलब मेरी फैमिली में भी ऐसी किसी की लव मैरिज नहीं हुई थी. सबकी अरेंज थी. मेरी सिस्टर है उनकी भी अरेंज मैरिज थी. तो जैसे कि आपको पता ही है मेरी बड़ी सिस्टर हैं तो सबसे कंफर्टेबल मैं उन्हीं के साथ था. ऑब्वियसली सब अपने भाई बहन जो सिस्टर होते हैं उनके साथ ही कंफर्टेबल होते हैं. और मेरी सिस्टर मुझसे 5 साल बड़ी है तो सबसे बेस्ट जरिया यही था पेरेंट्स तक बात पहुंचाने का. तो मैंने मेरी बहन को सबसे पहले बताया कि सेबी है मेरी लाइफ में एंड शी इज एवरीथिंग फॉर मी. तो आई वॉन्ट टू मैरी हर. तो मैंने मेरी सिस्टर को बताया. देन फिर उन्होंने घर पे बात करी एंड घर पे सब लोग वही थे कि हाँ लड़की क्या करती है. जैसे लड़की का पता चला कि सीए है विजय वर्गीय है सारे मतलब सारी कंडीशंस मेट हो रही थी पढ़ी लिखी है विजय वर्गीय है तो
कोई डाउट नहीं, सबसे पहली गो में हाँ हो गया था। मतलब हाँ, मैंने आपको बताया ना, लाइक टचवुड, हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, कास्ट वगैरह सब कुछ सेम थी, एंड यू नो हमारी स्टडीज हो गई थी, हम लोग जॉब में थे, सेटल डाउन थे दोनों। हाँ, तो लाइक अभी भी, बिकॉज कुछ लोगों को जब ऐसे पता चलता है ना कि यार तुम्हारा कुछ भी बैकग्राउंड सेम नहीं है, बिकॉज स्टेट अलग है, तुम्हारी पढ़ाई अलग है, लाइक ही इज इंजीनियर, आई एम सी ए, आई एम फ्रॉम इंदौर, ही इज फ्रॉम जोधपुर, तो तुम कैसे मिले, क्या मिले। वैसे ही हमारे ऑडियंस जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे, उनको भी यही लग रहा था कि यार हमें आपके बारे में जानना है ना, आप कैसे मिले, क्या हुए। तो यही सब था हमारे बारे में। तो फिर हमारी फैमिली को कोई इशू नहीं हुआ, और फिर मेरे पेरेंट्स इंदौर गए थे सेबी को मिलने फर्स्ट टाइम, तो उधर मतलब उनको देखते से बहुत ही सुंदर लगी, जैसे कि अभी भी है, कितनी सुंदर है ना, तो तो उनको बहुत ही सुंदर लगी, फैमिली भी काफी अच्छी लगी, तो बस उधर ही सारा बस हो गया। मतलब एक छोटा रोल जो बोल सकते हो आप, हाँ वैसा हुआ था। तो फाइनल सब हो गया था, देन आगे की बातें हुई फैमिलीज के बीच में, आगे कैसे करना है एंगेजमेंट वगैरह। मतलब हमारा ऐसे नहीं था कि हमें शादी करना ही है, बट इट्स लाइक यश की जब जो बातें हो ही गए थे। हाँ, वो लोग उनका यूएस, एक्चुअली हमारा था ही नहीं इतनी जल्दी शादी करने का, हम लोग का था एक आध साल और रुक जाते, बिकॉज उस टाइम तो ठीक है, एक बार घर वालों को बताना था नॉर्मली, तो उस पे में हमने बताया था, शादी का कोई सीन कोई नहीं था। बट लाइक यश की दीदी यूएस रहते थे, तो उनका इंडिया आने का था, तो उनके अकॉर्डिंग ही प्लान हुआ सारा। एंड इमीडिएटली आई थिंक यश के 2019 में रोका हो गया था, एंगेजमेंट सेरेमनी हो गई थी, एंड देन 2020 जनवरी में हमारी शादी का मुहूर्त निकला। तो यस, वी गॉट मैरिड ऑन 16 जनवरी 2020। तो इस तरीके से हम लोग मिले, हमारी शादी हुई। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा हमारा, और हमारी जोड़ी आपको कैसी लगती है। एंड इसी तरह हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और हमें फॉलो करिए। टिल देन, बाय।